80 के दशक की मशहूर अदाकारा रही पूनम ढिल्लो, जिन्हें आज भी लोग उनके स्टाइल के लिए कहीं ना कहीं पहचानते हैं। पूनम ढिल्लो ने सिनेमा इंडस्ट्री में कई ऐसे अभिनय किए जिसके लिए लोग आज भी उन्हें तहे दिल से याद करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ आरती। अपने इस खास कार्यक्रम में आज हम आपसे बात करेंगे पूनम ढिल्लो की बेटी के बारे में। जी हाँ, पूनम ढिल्लो की बेटी से शायद आज तक अभी आप रूबरू नहीं हुए होंगे, तो आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको पूनम ढिल्लो से की बेटी से रूबरू करवाने जा रहे हैं और साथ ही पूनम ढिल्लो की बेटी से जुड़ी कई ऐसी तमाम बातें भी आपको बताएंगे। पूनम ढिल्लो के बारे में भी आपसे बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि कैसे लाइमलाइट से दूरियां उन्होंने बना रखी है और कैसे वो अपनी माँ के साथ, अपने भाई के साथ जिंदगी जीती हैं। पूनम ढिल्लो, जिन्होंने बॉलीवुड में अपने अभिनय से काफी लोगों के दिल जीते, तो वहीं शादी के बाद इनकी जिंदगी कहीं ना कहीं पूरी बदल सी गई थी। अपनी इस रिपोर्ट में चलिए आपसे बात करते हैं पूनम ढिल्लो की बेटी के बारे में। महज 16 साल की उम्र में जिसने मिस इंडिया का खिताब जीता वो कोई और नहीं बल्कि पूनम ढिल्लो थी। साल था 1977 जब 16 साल की उम्र में मिस इंडिया का खिताब जीतने वाली पूनम ढिल्लो बनी। मॉडलिंग के जरिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने अपना कदम रखा। मिस इंडिया का खिताब जीतने के बाद उन पर यश चोपड़ा की नज़र पड़ गई और यश चोपड़ा ने अपनी फिल्म त्रिशूल का ऑफर उन्हें दे दिया। 1978 में पूनम की फिल्म त्रिशूल रिलीज हुई और वो काफ़ी ज़्यादा सफल भी रही। इसमें उनके को स्टार सचिन पिलगांवकर थे। इस फिल्म के गीत गुपी चुपी गम गम के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। अपने शुरुआती दिनों में वो यश चोपड़ा के घर में ही रहा करती थी। बीते जमाने की मशहूर अदाकाराओं में से एक नाम लिया जाता है पूनम ढिल्लो का, जिन्होंने अपने फिल्मी करियर में कई तरह के किरदार निभाए। ना केवल बॉलीवुड इंडस्ट्री में बल्कि इन्होंने छोटे पर्दे पर भी अपने अभिनय का जलवा बिखेरा है और अब 57 साल की पूनम ढिल्लो आज भी कहीं ना कहीं ग्लैमरस लुक के साथ नजर आ ही जाती हैं। जी हाँ, जहाँ एक तरफ पूनम ढिल्लो की ख्याति को हर कोई जानता है, तो वहीं आज हम आपसे अपनी इस रिपोर्ट में बात करेंगे पूनम ढिल्लो की बेटी के बारे में। पर उससे पहले आपको पूनम ढिल्लो से जुड़ी कुछ बातें बता देना चाहेंगे। जी हाँ, आपको बता दें, अपने फिल्मी करियर का सफर जब इनका कामयाबी पर था तो उसी समय 1988 में इन्होंने फिल्म मेकर अशोक ठकारिया से शादी कर ली। अशोक और पूनम का एक बेटा और एक बेटी भी है। हालांकि इन दोनों का तलाक 1997 में हो गया और पूनम अपने पति को छोड़कर अपने बच्चों के साथ अलग रहने लगी। पूनम को कई बार राजनीति में आने का मौका भी मिला। कुछ समय के लिए उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन भी किया था, लेकिन उन्हें शायद राजनीति रास नहीं आए और वो कई बार बीजेपी के लिए प्रचार कर चुकी हैं। चलिए अब नजर डालते हैं पूनम ढिल्लो की बेटी के ऊपर। आपको बताना चाहेंगे, जहां एक तरफ पूनम ढिल्लो की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं, तो वहीं पूनम ढिल्लो की बेटी पालोमा ठाकरिया ढिल्लन भी कुछ कम नहीं है। सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी बटोरती हुई नजर आती हैं, लेकिन अभी फिलहाल इन्हें कोई नहीं जानता है। जी हाँ, आपको बता दें, सोशल मीडिया पर पालोमा अपनी तस्वीरों को हमेशा शेयर करती रहती हैं। पालोमा, जो कि अभी केवल 22 साल की हैं और पूनम ढिल्लो की ये बेटी, सोशल मीडिया पर अपना काफ़ी ज़्यादा जलवा बिखेरती हुई नज़र आती हैं और कहीं ना कहीं इनके लिए ये भी कहा जाता है
कि स्टार किड यानी कि जानवी और सारा अली खान को पूरी तरीके से पूनम ढिल्लो की बेटी टक्कर देती हैं। आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में पूनम और उनके पति के मिलने का एक अनोखा किस्सा भी सुना देते हैं। दरअसल प्रोड्यूसर डायरेक्टर उमेश मेहरा और उनकी पत्नी ने एक बार होली की पार्टी दी थी, जहां पर पूनम की मुलाकात अशोक ठाकरिया से हुई। अशोक से मिलने से पहले पूनम के कई ब्रेकअप हो चुके थे। इस मुश्किल घड़ी में दोनों करीब आए और साल 1988 में, जैसा कि हमने आपको अभी बताया था, 1988 में दोनों ने शादी का फैसला ले लिया। लेकिन कुछ समय के बाद ही इन दोनों के बीच में अनबन शुरू हो गई, जिस वजह से दोनों के बीच में दूरियां बढ़ने लगी और 1997 में ये रिश्ता खत्म हो गया। पूनम और अशोक के दो बच्चे हैं, बेटा जिसका नाम अनमोल है और बेटी जिसका नाम पालोमा है। तलाक के बाद पूनम बच्चों को लेकर अकेले रहने लग गई। कुछ समय पहले ऐसी भी चर्चाएं आई थीं कि पूनम जल्द ही अपने बच्चों को बॉलीवुड इंडस्ट्री में लॉन्च कर सकती हैं। आपको बता दें, पूनम की बेटी पालोमा, जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हैं और हमेशा अपनी माँ के साथ भी वो फोटो शेयर करती रहती हैं। पालोमा जो कि पूरी तरीके से अपने आप को तैयार कर रही हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में आने के लिए। जी हाँ, आपको बता दें, पालोमा और अनमोल दोनों बाकी स्टार्स के बच्चों की को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। पालोमा जो कि केवल अभी 22 साल की हैं और अभी वो मुंबई के जमनाबाई नर्सरी स्कूल में पढ़ाई कर रही हैं और उनके, यकीन मानिए, इंस्टाग्राम पर 40,000 से भी ज़्यादा फॉलोवर्स हैं। पालोमा के इंस्टाग्राम पेज को देखे तो इस बात की साफ तौर पर जानकारी मिल जाती है कि वो कितनी ज़्यादा फिटनेस फ्रीक हैं और अक्सर वो अपनी योगा करते हुए फोटोज़ को शेयर करना पसंद करती है। माँ पूनम के साथ पालोमा अक्सर तस्वीरें शेयर करती हैं जिसमें वो हूबहू अपनी माँ की तरह ही नज़र आती हैं और अब फैंस को बड़ा बेसब्री से इंतज़ार है कि कब पूनम ढिल्लो की ये बेटी बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखेंगी। हालांकि अभी पूनम ढिल्लो की ये बेटी बॉलीवुड इंडस्ट्री से पूरी तरीके से दूरी बनाकर रखे हुए हैं। यकीन मानिए, जब पूनम ढिल्लो की ये बेटी बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखेंगी तो ये भी पूनम ढिल्लो की ही तरह ख्याति बटोरती हुई नजर आएंगी। पूनम ढिल्लो की बेटी पालोमा कोठारिया, जी हाँ, आपको बता दें, पालोमिया जिनके इंस्टाग्राम पे 40,000 से भी ज्यादा फॉलोवर है, सोशल मीडिया पर तो लाइमलाइट बटोरती हुई नजर आती हैं, लेकिन अक्सर बॉलीवुड इंडस्ट्री की लाइमलाइट से ये दूर रहती है, मीडिया से अभी दूरी बना के रखी हुई है। लेकिन पूनम का ऐसा मानना है कि जल्द ही उनकी बेटी जो है वो फिल्मों में आएंगी और जब वो फिल्मों में अपना अभिनय शुरू करेंगी तो स्टार किड्स की तरह ही वो परफॉर्म करती हुई नजर आएंगी। जिस तरह से जानवी ने, श्रीदेवी की बेटी जानवी ने बॉलीवुड डेब्यू किया, सारा अली खान ने किया, वैसे ही पूनम ढिल्लो का भी मानना है कि उनकी बेटी भी जब बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखेंगी तो वो भी उन्हीं की तरह अपने अभिनय से लाखों लोगों का दिल जीतने का काम करेंगी। वैसे देखा जाए अगर इंस्टाग्राम की प्रोफाइल को तो पूनम ढिल्लो की बेटी पालोमा काफी ज्यादा स्टाइलिश हैं और अपनी फिटनेस का बखूबी ख्याल रखती हैं, जिम के साथ योगा भी अपनाती हैं और अपनी ऐसी ही तस्वीरों को अपने फैंस के साथ शेयर करती हुई नजर आती हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज को।